हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन न्यू वीडियो के साथ वापस। तो आज की इस वीडियो में फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट, जो माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का पार्ट नंबर 6 होने वाला है। इससे पहले 5 पार्ट आ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो चैनल पे आपको जाके मिल जाएंगे, चेकआउट करना, ठीक है गाइस। तो आज के इस वाले पार्ट में, इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं भाई, सब कुछ हमारे पास है। अब भाई सबसे पहले मैं करने वाला था शुगर केन फार्म बिल्ड, क्योंकि मेरे को भाई जो हमारे विलेजर हैं उनसे ट्रेड करने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो भाई इसके लिए मेरे को शुगर केन फार्म बिल्ड करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, उससे हमको ढेर सारे पेपर मिलेंगे, तो हम लाइब्रेरियन से काफ़ी ज़्यादा एमरल्ड फ्री में बाय कर सकते हैं, और वो फ्री में हमको भाई काफ़ी ज़्यादा शुगर केन देगा। तो भाई इसके लिए हमको ऑब्जर्वर और पिस्टन काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इसमें क्या क्या लगेगा, सबसे पहले तो रेड स्टोन और नैदर क्वार्ट्स। भाई रेड स्टोन तो हमारे पास पड़ी है, नैदर क्वार्ट्स भाई हमको नैदर से मिलेंगे, और अभी तक हमने नैदर पोर्टल बिल्ड ही नहीं किया, तो भाई जल्दी से करते हैं। सबसे पहले तो मेरे को लावा ढूंढ कर लाना होगा। तो गाइस चलते हैं जल्दी से जल्दी, अभी रात भी हो रखी है। मैं दिन करने की सोच रहा था, लेकिन मेरे को पता है कि भाई रात में ज़्यादा जल्दी चमकेगा लावा, तो इस वजह से मेरे को रात में ही निकलना पड़ेगा जहाँ से, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास एक बकेट तो है, अब इससे आगे चलते हैं, ठीक है गाइस। बाकी हम और इकट्ठा कर कर लाते हैं, देखते हैं भाई कितनी दूर तक हम जा पाते हैं और कितनी दूर जाके हमको ये लावा मिलेगा। सो ऑल राइट गाइस, काफ़ी ज़्यादा देर में भागते हुए जा रहा था, अभी फ़िलहाल के लिए मेरे को यहाँ पे विलेज दिखा है, तो देखते हैं जल्दी से जाके थोड़ा सा इसके आसपास, और इसके भाई एक आध बकेट तो हमको यहीं पे मिल जाएगी। तो बस भाई कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे बकेट से मैं उसको भाई एक ऑब्सीडियन में कन्वर्ट करूँगा, उसको कन्वर्ट करके तोड़ डालूँगा डायमंड की पिकैक्स के साथ, उसके बाद भाई उसको भाई अपना क्लेम करके तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसा ही सीन करेंगे। फिलहाल के लिए तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा लावा है तो है का, मैं सोच जहाँ पे सोने की सोच रहा था, और फिलहाल के लिए सामने एक पहाड़ी है तो भाई उधर भी चलते हैं। और हमारे पास भाई आयरन गोलेम है, इसको भी ख़त्म करेंगे, इससे हम एक आयरन बकेट भी बना सकते हैं, देखते हैं भाई ये उतने आयरन हमको देगा ये नहीं। और फिलहाल के लिए तो यहाँ पे मैं नीचे फंस चुका हूँ, भाई बताओ क्या है यार, मैं अलग ही नूबड़ा बंदा हूँ। चलो जल्दी से जहाँ से निकलते हैं और आगे चलते हैं, नहीं तो यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह आ जाएंगे। फिलहाल के लिए तो सामने भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ी गुफा दिख रही है यार, हाँ भाई ओके। फिलहाल तो हम इस गुफा में जाने वाले हैं, क्योंकि भाई नीचे तो साइड में पक्का मेरे को लावा मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चमक पड़ रही है, तो इसका हिसाब से जहाँ पे भाई टॉर्च तो नहीं होंगी, ठीक है, ये कंफर्म है कि। अरे भाई क्रीपर, अबे भाई भागो 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 भागो, ये तो ख़त्म कर देंगे भाई। चलो ओके, अभी जहाँ से देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है ओके। यहाँ पे चमक तो रहा है, लेकिन अभी तक भाई लावा का नामो निशान तक नहीं मेरे को दिखा, लेकिन मेरे को नीचे जाना पड़ेगा, उसी हिसाब से मेरे को यहाँ पे लावा दिखेगा। फिलहाल तो ये ज़ॉम्बी मेरे को तंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले नीचे चलते हैं और देखते हैं भाई यहाँ पे मेरे को लावा कहाँ पे मिलता है, ठीक है गाइस। तो ओके, इधर तो नहीं है फिलहाल, तो भाई ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी भरे पड़े हैं। मेरे पास टॉर्चेस हैं या नहीं वो देखनी पड़ेंगे बाद में, फिलहाल के लिए तो नीचे चलते हैं सबसे पहले। ओके गाइस, मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इंक्रीज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कर दूंगा बाद में एडिटिंग में कर दूंगा, फिलहाल तो मेरे को कुछ नहीं दिख रहा। ओके गाइस, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अभी एडिटिंग में शायद मैंने इंक्रीज़ कर दिया होगा, मेरे को याद नहीं होगा, अब मैं साथ में बोल रहा हूँ, इसके साथ साथ बोल रहा हूँ। ओके गाइस, नीचे भाई लावा, अरे भाई भाई ज़ॉम्बी ने धक्का दे दिया था यार ऊपर से, भाई एक HP पे भाई कुछ भी नहीं दिख रहा यहाँ पे मेरे को। ओ भाई टॉर्चेस कहाँ है मेरी, ओके फाइनली यहाँ पे थोड़ा बहुत भाई अभी दिखना शुरू हो गया। अगर भाई एक भी ज़ॉम्बी आके मेरे को एक हिट मार देता ना, तो यहाँ पे तो कहानी ख़त्म हो चुकी होती है मेरी। अब भाई ऊपर से मैं सोया भी भाई अपने घर पे हूँ, तो सीधा जाके स्पॉन कहाँ पे होऊंगा, अपने घर पे भाई, भाई साहब जे अलग ही सस्तेने से हो जाते यहाँ पे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल के लिए तो लावा हमको मिल चुका है, जो मेन चीज़ थी हमारी वो हमारे को यहाँ पे मिल चुकी है, तो यहाँ पे ढूंढते हैं जल्दी से जल्दी अपना लावा और इसको इकट्ठा करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है ओके। धीरे धीरे करके उतरेंगे भाई पानी के साथ, ओके अब जहाँ पे निकल चुका हूँ मैं, पानी ऊपर से इकट्ठा कर लिया था, ठीक है अब दोबारा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इस पानी को ख़त्म होने दो। ओके ये ख़त्म हो चुका है, अभी हमको ये भाई लावा इकट्ठा करना होगा। भाई ये देखने में ही ज़्यादा लग रहा है मेरे हिसाब से, तो ये एक बकेट है भाई, यार भाई क्या है ये चीज़, मेरे को गुस्सा आ रहा है इस पर भाई, इतना दिख रहा था देखने में भाई, एक बकेट है सच में, अरे भाई यार। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं, जल्दी से जाके ऊपर ही चलते हैं अपनी जगह पर जहाँ पर मैंने टॉर्च वगैरह लगा रखी है, क्योंकि नीचे तो भाई दिख ही नहीं रहा यार, कुछ अंधेरा ही अंधेरा पड़ा है।
पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद लेते हैं, वो गड्ढा नहीं मतलब एक ब्लॉक तोड़ देते हैं, उसके बाद इसमें रख देंगे। अरे भाई रुक जा, हड्डी कहीं के, अबे कितना खतरनाक निशान है इस आदमी का भाई। चलो अब भाई लगाते हैं यहाँ पे। ये क्या किया मैंने, अबे ओके गाइस फाइनली अब मेरे को दोबारा लावा दिखा है, लेकिन भाई ओ क्रीपर फट गया मेरे मुंह पे, फिर से बच गए क्योंकि अब मेरे पास भाई डायमंड का आर्मर है, तो यहाँ पे मैं बच जाता हूँ हर बार। अब भाई ट्रेड कर करके हमको और भी डायमंड के आर्मर लेने होंगे, मैं भाई पूरी चेस्ट भर दूंगा अगले वाले एपिसोड में, देखता हूँ। बाकी भाई आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना क्या करना है अगले एपिसोड में। ओके गाइस फिलहाल तो मेरे को यहाँ पे काफ़ी जगह पे लावा दिखते जा रहा है, तो मैं यहाँ पे इकट्ठे कर करके अपना भाई ये आराम से ऑब्सीडियन बना दूंगा इसका। ओके यहाँ पे लगाओ पानी, अरे भाई चला जा उस पे पागल आदमी। ओके चलो ये ऑब्सीडियन बन गया, इसको तोड़ेंगे आराम से ऐसे कलेक्ट कर करके हम भाई आगे ले चलेंगे। अबे भाई रुक भाई, यहाँ पे तो बहुत गलत सीन चल रहा है। ओके गाइस जहाँ पे नीचे मेरा काफ़ी ज़्यादा भाई फूड ख़त्म हो चुका था, मेरे को भाई ऊपर आना पड़ा और एक लावा की बकेट लेकर आया हूँ मैं यहाँ पे, सभी एनिमल को जला जला के यहाँ से फूड लेके नीचे जाना, दोबारा जाना पड़ेगा मेरे को। ओके यहाँ पे मेरे को ये ऐसे करके फूड मिल रहा है, तो इकट्ठा करके नीचे। ओके गाइस जहाँ पे मेरे को ढेर सारा लावा, अरे भाई अबे चुटकू भाई मैं लावा में गिर जाता अभी, क्या भाई बचा हूँ यहाँ पे भाई, ये चुटकू ने मेरे को गिरा दिया था लावा में। चलो ओके अब नीचे चलते हैं गाइस, जहाँ पे मैं ये लावा इकट्ठा करके इससे भाई अपना ऑब्सीडियन लेता हूँ। देखो हाँ ओके डन गाइस, अब भाई काफ़ी ज़्यादा ढेर सारा ऑब्सीडियन हमको मिल चुका है, अब बारी है जाके भाई अपना नेदर पोर्टल बना के वहाँ से नेदर क्वार्ट्ज लाने की। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लेते हैं, इसके ऊपर नहीं खड़ा होता हूँ क्योंकि नीचे हो सकता है। ओके हाँ मेरा अंदाज़ा सही था, नीचे भाई अपना लावा है, तो आराम आराम से मेरे को पहले सामने वाला तोड़ना पड़ेगा, अब उसके बाद मेरे को साइड में खड़े होके फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। ओके गाइस जहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा हूँ नीचे लावा है, तो ऐसे तो कलेक्ट नहीं होगा, पहले इसको बंद करते हैं। ओके चलो ये बंद हो चुका है, अब भाई इसके बीच उतर के यहाँ से तोड़ना मैं शुरू करूँगा, अब मेरे पास भाई कलेक्ट हो जाएगा और मेरे पास लावा भी नहीं आएगा क्योंकि लावा निचले की परत में है, तो जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ ओके हो रहा है गाइस यहाँ पे। सो फाइनली गाइस तुम्हारा भाई 24 ऑब्सीडियंस लेके अपने घर पे आ चुका है, अब जल्दी से हम नेदर पोर्टल बनाएंगे। और हो भाई हमारा लावा पड़ा है यहाँ पे, भाई इसको इकट्ठा करते हैं, चाहे गलती से मैं इसमें गिर जाऊँ तो भाई मर ही जाऊँगा और हमारी कैट मर जाएगी सबसे पहले, तो हम तो हमारे पास तो डायमंड का आर्मर है, हम तो बच जाएंगे। इसको मैं इसलिए बिठा के रखता हूँ यहाँ पे क्योंकि मेरे को दरवाजे लगाने यहाँ पे अच्छे नहीं लगते, और भाई अगर दरवाजे लगा देता हूँ तो भाई डोर लगा देता तो भाई अच्छा नहीं लगता मेरे को, ये चेस्ट रूम खोलते हैं फिर भाई ऐसे भागते जाते रहते हैं, बहुत गलत होता है। चलो गाइस फाइनली हमारा नेदर पोर्टल बन गया, हमारे पास फ्लिंट एंड स्टील सब कुछ था। ओके अब चलते हैं भाई नेदर में, सबसे पहले तो हमारा सामान उतार के आ जाते हैं क्योंकि अगर हम लावा पे स्पॉन हुए तो भाई हमारी पिकेक्स से लेके डायमंड का पूरा आर्मर जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी मैं इसको उतार देता हूँ, उसके बाद चलते हैं नेदर में। ऑल राइट गाइस तुम्हारे भाई ने सारा महंगा सामान उतार दिया है, अब हम चलते हैं बिल्कुल गरीब बनके नेदर में, अब भाई देखते हैं वहाँ पे मेरे को कितना लावा मिलता है और हमारा स्पॉन एरिया कैसा है। तो अभी भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा ये क्योंकि मैं मोबाइल में खेल रहा हूँ यार, मेरे पास पीसी नहीं है। ओके गाइस बिल्ड हो चुका है हमारा वर्ल्ड, ओ भाई सही है यार, कोई दिक्कत नहीं है भाई आराम से, इतना लावा नहीं है हमारे आसपास, ये जो है थोड़ा बहुत इसको मैं बंद कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ को लेकर। और नेदर क्वार्ट्ज भाई दो घास्ट हैं, भागो 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 भागो, मेरे पास भाई वेस्ट हेलमेट कुछ भी नहीं है, तो मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी हमारा वेस्ट और हेलमेट मेरे को लाना पड़ेगा। ओके गाइस तो जल्दी से जल्दी हमारा मेन सामान भाई, अबे ये कहाँ आ गया भाई मैं, अरे ये नहीं बनाया था भाई मैंने, ये क्या हुआ, घर तो हमारा बिल्कुल सामने लेकिन ये यहाँ पे क्यों बना भाई, पे तो जल्दी दोबारा जाके देखूँ एक बार। नहीं गाइस बेफालतू में मैं ऐसी चीज़ें करते जा रहा हूँ, ये कैसे बना भाई इधर, मेरे को ये चीज़ नहीं समझ में आई भाई, मैंने तो भाई अपना नेदर पोर्टल अपने घर के पास बनाया था चेस्ट रूम के पास, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है क्या,
कोई क्रीपर क्रीपर वगैरह फट गया क्या उस पर? एक मिनट जल्दी से भाग के पहले उसको देखते हैं। नहीं गाइस ये तो सही सलामत है, और इसके साथ हम चलने वाले हैं फिर से नेदर में। लेकिन ये मेरे को समझ में नहीं आया ये दो नेदर पोर्टल क्यों बने मेरे भाई। और भाई साहब ये क्या है, ये स्लाइम बॉल बोल सकते हैं इसको, नेदर की स्लाइम बॉल, ये खतरनाक सी चीज़ हमारे पास क्या कर रही है? और भाई ये मरती भी नहीं है, कितना बड़ा जंप मार रही है भाई ये। अगर इसको मार दो भाई ये और ये फैल जाती है ऐसे ही, मतलब तीन तीन चार चार हो जाती है। चलो अब जल्दी से जल्दी हमको भाई नेदर क्वार्ट्स देखने पड़ेंगे, देखते हैं भाई कितनी देर में हमको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सबसे पहले इसको ख़त्म कर देते हैं। ओके जैसे कि मैंने बोला था कि ये ख़तरनाक चीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाती है, वही सीन होने वाला है। अब मेरे पास स्वॉर्ड नहीं है। अबे रुक जाओ यार भाई, क्या चल रहा है उधर? घास्ट भी आ गई भाई, रुक जाओ। अबे भाई लावा में गिर गया। अबे पानी यहाँ पे काम नहीं करेगा, अब क्या करूँ। अबे यार गया भाई, डायमंड का सब कुछ गया। ओके गाइस दोबारा आया हूँ मैं यहाँ पे, मेरा पूरा का पूरा डायमंड का आर्मर चला गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वेस्ट और हेलमेट तो मिल चुका है। बाकी और देखते हैं चेस्ट प्लेट वगैरह। अबे यार मर जाओ यार, क्या भाई इनको क्या लग रहा है यहाँ पे? अब मेरे बूट वगैरह कहाँ हैं भाई, सब कुछ वो भी देखना पड़ेगा। बाकी काफ़ी हद तक तो हमारा पूरा का पूरा सामान हमको मिल चुका है। चलो जल्दी से जल्दी सामान इकट्ठा करके हम भाई नेदर क्वार्ट्स लेके अपने घर में निकलते हैं। भाई देखो वो सामने जो क्या बोलते हैं इसको, ये जो पिगलिन वगैरह बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को नाम नहीं पता इसका, वो मेरा बेस्ट नहीं बेस्ट नहीं बूट और भाई पैंट पहन के घूम रहा है मेरी डायमंड की हरामी आदमी। जल्दी जल्दी उसको ख़त्म करके हमारा भाई वो सामान लेते हैं फिलहाल। अबे और भी छोटा होता है क्या ये, कितनी बार कटेगा यार? अब मेरे पास भाई हेलमेट और भाई चेस्ट प्लेट तो है, मेरी वो जो पैंट है और ऊपर से क्या बोलते हैं उसको बूट है, वो बंदा सामने वाला पाके घूम रहा है वो देखो एकदम दूर। अब ये ही नहीं मेरे को भाई आगे बढ़ने दे रहे, यही बहुत आते जा रहे हैं यार। जल्दी से जल्दी उसको ख़त्म करके आराम से हम बोलेंगे। लेकिन भाई यहाँ पे एक भाई एरो वाला बंदा आ गया, और भाई ये खतरनाक तरीके से मार रहा है। अबे रुक जा, ठंड रख ले भाई, तेरे भाई से लड़ने जा रहा हूँ तेरे साथ नहीं। अबे रुक जा एक मिनट भाई, ये ले मर जा। ओके डन, ये तो ख़त्म, अब उसको ख़त्म करना होगा। इसके पास एरो वगैरह, हाँ एरो वगैरह तो हमारे पास हैं लेकिन यही नहीं है। एक मिनट इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले। मर जा भाई प्लीज़ मर जा। अबे ये चलती कैसे है भाई? ओके मर गया। हमारे भाई बूट और भाई हमारी पैंट वहाँ पे है कि नहीं वो देखनी पड़ेगी। ओके गाइस हमको हमारा सारा सामान मिल चुका है डायमंड का, लेकिन ये टूटने वाला हो रखा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल ही टूटने वाला हो रखा है। जल्दी से जल्दी हमको और बाय करने पड़ेंगे हमारे विलेजर्स से। भाई ये मैंने डायमंड से बनाया नहीं है, ये मैंने विलेजर से बाय किए थे, इसलिए तो मैं अपना शुगर के इनफार्म बना रहा हूँ कि मेरे को जल्दी से जल्दी और एमरल्ड मिलेंगे, उसके बाद मैं पूरी की पूरी चेस्ट भर दूंगा भाई डायमंड के आर्मर के साथ। वो नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा, ये अलग ही भाई सस्ता नशा हो रखा है मेरे को इस चीज़ का, क्योंकि मैं तोड़ने बहुत वाला हूं, मैं मरता बहुत ज़्यादा हूं ना इसलिए। अब सबसे पहले तो इसको ख़त्म कर देते हैं यार, ये भाई बहुत दिक्कत करेंगे। तो जल्दी से जल्दी अब जहाँ पे भाई नेदर क्वार्ट्स देखते हैं कहाँ पे। अबे यार ये ख़त्म ही नहीं हो रहे भाई, ये कहाँ से स्पॉन हो रहे हैं? ओके ये तो गिर गया। अब भाई गलती से इनके ना लग जाए, ये तो बहुत गंदी तरह से मारेंगे। तो अब भाई लोग मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया है, मेरी डायमंड की पिकैक्स खो चुकी थी, इसलिए मैं यहाँ पे अभी आयरन की बना के आया हूँ। तो भाई जल्दी से दोबारा से हम वहाँ नेदर क्वार्ट्स भाई करते हैं। अब भाई मैं डायमंड का आर्मर उतार के आ चुका हूँ। ओके गाइस मैं डायमंड का आर्मर उतार के आया था, इसलिए यहाँ पे कम से कम तीन चार बार तो मैं आराम से मर चुका हूँ भाई। मेरे पास एक ही है तो भाई उसको मैं टूटने तो नहीं दे सकता जब तक मैं उन पे मैंडिंग लगा के उनको हील ना कर दूँ। अब भाई मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत लंबी हो रही थी, इसमें मैंने नेदर क्वार्ट्स यहाँ पे उखाड़ लिए हैं। ओके गाइस फाइनली अब बारी है हमारी ऑब्जर्वर और पिस्टन बनाने की। इसके लिए मेरे को बुल्ड वगैरह चाहिए थी तो वो भी मैंने ले आया। भाई मैं थोड़ी बहुत अपनी काट के, हमारे पास बहुत पेड़ हैं, पहले तो भाई स्टार्टिंग में जब मैंने पहली बार घर बनाया था तो आसपास कोई पेड़ नहीं था, तो मेरे को धीरे धीरे लगाने पड़े यहाँ पे, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पेड़ कर रखे हैं। अब हमारे पास रेडस्टोन भी काफ़ी ज़्यादा पड़ा है, तो जल्दी से जल्दी हमारा भाई ये शुगर केन फार्म बनाना शुरू करते हैं। बहुत ईजी है, सबसे पहले तो पिस्टन बनाते हैं। तो आपको पहले मेन जो भाई बेस होगा वो बनाना दिखा
बता देता हूँ, बहुत ईजी है वैसे करके, आप कोई भी डिज़ाइन से बना सकते हो अपने शुगर केन फार्म को। फिलहाल तो मेरा भाई अच्छा खासा सीधा रहेगा, वो भाई हमारे जो फार्म है जहाँ पे हमारे भाई खेत हैं, सब कुछ है वहाँ पे, वहाँ पे ही बनाएंगे हम जो ऑलरेडी हमारा भाई शुगर केन फार्म है। ठीक है, वैसे तो वो फार्म नहीं है, हाँ वैसे वो फार्म है, ये ऑटोमेटिक फार्म होगा, वो नॉर्मल फार्म है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो चलो जल्दी से जल्दी हमारे नेदर क्वार्ट्स कहाँ गए भाई? अरे भाई एकदम से भाई क्या बोलूँ, अभी तो धक धक होने लगा था, मैं जहाँ पे भाई ढूंढ रहा था मेरे नेदर क्वार्ट्स मिले नहीं थे। चलो अभी ऑब्जर्वर भी ऐसे करके बनेंगे, तो ये भी हमने बना लिए। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले तो आपको मैं बनाना शुरू करके दिखा देता हूँ, उसके बाद बाकी की पार्ट हम भाई रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि मेरा फ़ोन फुल होने वाला है रिकॉर्डिंग के साथ, क्या करें, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो भाई जहाँ पे जाएंगे आराम से हमारे फार्म में, जो हमारे खेत हैं, इस पे जाके हम बनाने वाले अपना शुगर केन फार्म। सबसे पहले तो इसको ख़त्म करते हैं सारे को। ओके गाइस, मैंने ये ख़त्म कर दिया, ये पार्ट मैंने स्किप कर दिया है। ओके डन गाइस, अब मैं जल्दी से जल्दी अपना जो मेन भाई चीज़ें हैं, अपने ब्लॉक वगैरह हैं, वो लेकर आता हूँ। और हमारे को हॉपर चाहिए, तो हॉपर मैं यहाँ पे बनाने आया था। ठीक है, हॉपर लेकर चलते हैं गाइस जहाँ पे बना के, क्योंकि इनके मदद से ही हम जो भाई जो शुगर केन कट के आएगा, इनकी मदद से हम भाई कलेक्ट करेंगे, क्योंकि यही मेन चीज़ है। ठीक है गाइस, अब भाई हमारे को सब कुछ मिल चुका है, चेस्ट वगैरह लगा के बीच में आयरन लगाना पड़ेगा आजू बाजू में, आराम से हॉपर हमारा यहाँ पे बन जाएगा। ओके गाइस, 10 हॉपर बन चुके हैं, मेरे को इतने की ज़रूरत है, बाकी देखेंगे भाई जितने की ज़रूरत पड़ेगी उसी हिसाब से मैं लगा दूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको शुगर केन को ऐसे लगा देना है, उसके बाद इसके नीचे कोई ना कोई ब्लॉक लगाना है, कुछ भी हो कोई भी ब्लॉक अपने हिसाब से लगा देना। ठीक है, और इनके पीछे ऐसे ब्लॉक लगाओगे तो इसके ऊपर हमको पिस्टन लगाने हैं, पिस्टन के ऊपर ऑब्जर्वर लगाने हैं, और उसके बाद रेडस्टोन। अरे मैं बना के दिखाता हूँ, ऐसा नहीं लगेगा आपको समझ में। ओके गाइस, अब उसके बाद हमारे को लगाना है पिस्टन। ठीक है, अब पिस्टन का मुंह इस साइड होना चाहिए ताकि भाई पिस्टन इनको तोड़ पाए। अब इस इनसे नीचे इसलिए नहीं लगाते क्योंकि अगर पिस्टन इनसे नीचे वालों को तोड़ देगा तो भाई दोबारा उगेगा कैसे, तो यही गलत हो जाता है सीन। तो सबसे पहले तो मैं पिस्टन लगा देता हूँ। ओके गाइस डन, अब भाई ये हमारा काम डन हो चुका है आधा, ये हम इनको काटेंगे तो आराम से भाई आगे गिरेंगे, तो बाकी हम भाई अपने हॉपर वगैरह लगाना भी शुरू करेंगे। फिलहाल तो हम भाई सबसे पहले यहाँ पे जो मेन चीज़ है हमारी वो लगाना शुरू करते हैं, वो है हमारा ऑब्जर्वर जो भाई इनको देखेगा। और भाई इनकी उल्टी साइड आकर, मतलब दूसरी साइड आकर इनको लगाना है, इनका मुँह होगा जो ना भाई वो उस साइड रहना चाहिए, और जो रेड कलर की ये रेड स्टोन दिख रही है वो इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे करके आपको लगाना है, ये हमारे हो जाएंगे ऑब्जर्वर। और भाई आधा काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारे पिस्टन पे हमको लगाना होगा कोई भी ब्लॉक, कुछ भी लगा सकते हो, कोई भी ब्लॉक लगा सकते हो, क्योंकि हमको इस पे लगानी है रेडस्टोन ताकि भाई हमारा ऑब्जर्वर काम करे और ऑब्जर्वर हमारा सिग्नल दे हमारे पिस्टन को और पिस्टन काट के फेंक दे हमारे भाई शुगरकेन को। उसके बाद बारी होगी हमारे हॉपर की, हॉपर आराम से कलेक्ट करके सीधा भेजेगा चेस्ट में, और चेस्ट के पास हम खड़े होंगे तो आराम से उठा के अपने शुगरकेन को कन्वर्ट करेंगे पेपर में, पेपर को कन्वर्ट करके, और पेपर को कौन से कन्वर्ट करेंगे, शुगर केन को पेपर में कन्वर्ट करके आराम से हम ट्रेड करेंगे, ट्रेड करके हमारा एमराल्ड मिल जाएगा। तो उसके बाद हमको ढेर सारे भाई डायमंड के आर्मर मिल जाएंगे। फिलहाल तो हमारा भाई सारा कुछ डन हो चुका है, अब देखते हैं ये वर्क कर भी रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे पास भाई पॉकेट एडिशन है, मैं फोन में खेल रहा हूं। ओके, यहां पे लग नहीं रहा, नीचे हमको ब्लॉक लगाना पड़ेगा। अरे रुक जा पिग्गी भाई। ओके फाइनली, मेरे को लगा नहीं था भाई ये वर्क करेगा सच में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैं अगर नहीं वर्क कर रहा होता ना तो मैं भाई ये बनाता ही ना, बस अब और कुछ करना पड़ता, अब क्या करे बंदा भाई बताओ। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब भाई हमारे हॉपर्स की बारी है, हॉपर लगाते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, ये चीज़ें तोड़ते हैं सबसे पहले तो। अब भाई मेरे को शवल चाहिए होगी, शवल की मदद से तोड़ना पड़ेगा। ओके, ये पानी बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो। ओके, पानी बंद कर दिया गाइस मैंने यहाँ पे। अब लगाते हैं हमारे हॉपर। हॉपर यार, हॉपर तो बहुत है, ऐसे मिट्टी तोड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो जल्दी से जल्दी हमारी सबसे पहले शवल लेकर आते हैं। शवल की मदद से आराम से टूट जाएगा सब कुछ, तो आयरन की शवल बना लेते हैं। कहाँ है भाई? ओके डन, चलो अब जल्दी से जल्दी हमारा काम करते हैं। हॉपर लगा के चेस्ट लगाते हैं, उसके बाद पूरा का पूरा ये यहाँ पे भर देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको छोटा इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए मैं कर क्या रहा हूँ। वैसे तो आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हो, मेरा तो भाई ये सिंपल रहेगा, मेरे को इतना दिमाग लगाना नहीं आता, मेरे को बस ऐसे ही पता चल गया यूट्यूब पर कि भाई कैसे बनता है, तो मैं बनाना शुरू कर दिया। ठीक है गाइस, और फिलहाल के लिए तो इसको तोड़ो, अबे हो जा कलेक्ट भाई। एक तो फ़ोन में यही दिक्कत होती है भाई,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लेकर। अब गाइस हमको चेस्ट भी चाहिए थे जिसमें हम कलेक्ट करने वाले थे, मैं चेस्ट बनाने जा रहा था लेकिन मेरे पास लकड़ी नहीं थी। उसके बाद भाई जो बाजू में चेस्ट पड़ी थी हमारे फार्म वाली, तो मैं वो उठा के भाग के आ चुका हूँ। अब जहाँ पे हम उसको लगाने वाले हैं दूसरी साइड मुंह करके, क्योंकि हमको भाई दूसरी साइड से खोलनी है ये के इसको इस साइड लगाते हैं ऐसे करके। अब इनके साथ हॉपर कनेक्ट कर देंगे ताकि भाई हॉपर में आके आराम से गिरे ये चीज़ें, और ये सेंटर वाला बटन दबाएंगे तो आराम से भाई इसमें हॉपर कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, बाकी हॉपर भाई इनके इन हॉपर के मैं साथ कनेक्ट कर देता हूँ। एक बच्चा है, ओके ऑलराइट गाइस, सारे हॉपर हमारे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनके बीच में गिरेगा भाई हमारा शुगर केन, बाकी देखते हैं, पहले गिरा के देखते हैं ना, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब कुछ करते हैं। ऑलराइट गाइस, पानी वगैरह मैंने डाल दिया है, अब देखते हैं भाई इसको उगा के। रात हो चुकी है, बहुत टाइम से लगा हूँ भाई इस एक घटिया से शुगर केन वो बनाते हुए, शुगर केन फार्म को बनाते हुए, लेकिन अभी तक यही बनाए नहीं है भाई। इतनी बार तो मैं मर चुका हूँ इसको बनाने के चक्कर में। अबे भाई हॉपर तक नहीं जा रहा यार ये। ओके गाइस, मैंने दोबारा से तोड़ा है सब कुछ। अब भाई मेरे को ये नीचे करना होगा, क्योंकि पानी का बहाव जब नीचे आएगा ना तब जाके ये इनके ऊपर आएगा। मतलब मैं आपको दिखाता हूँ, छोड़ो इन चीज़ को छोड़ो, अब पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेरे को समझाने में तो ये चीज़ें नहीं आती। सबसे पहले तो दो दो डर्ट के ब्लॉक तोड़ने हैं, और इनके नीचे भी ऐसे ही आपको करना है सेम टू सेम चेस्ट के नीचे। हम इनको नीचे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पानी ना बह के नीचे आना चाहिए, उसके बाद वो जो शुगर केन गिरेगा पानी में तो पानी बहा के भाई हॉपर की ओर कर देगा, तो हॉपर के बीच में वो चला जाएगा। वैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या करने वाला हूँ फिलहाल। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम भाई चेस्ट लगाने वाले हैं, और चेस्ट के बीच में हम फिट करेंगे फिर से सेम टू सेम तरीके से हॉपर। इस साइड लगा देता हूँ, एक मिनट। ओके, ये कनेक्ट हो चुका है। अब बारी है हमारे हॉपर्स की। अरे लग जा भाई। ओके डन, अब जल्दी से सारे के सारे हॉपर फिट कर देता हूं मैं। ऑलराइट गाइस, हॉपर हमारे सारे लग चुके हैं। अब दोबारा से देखते हैं सब कुछ करके कि भाई हो पाएगा या नहीं। भाई हो जाए यार, क्या भाई बोलूं अभी इस चीज के बारे में। चलो कोई दिक्कत नहीं, करके देखते हैं पहले, तो अगर हो पाए तो ठीक है। ओके, पानी तो बह रहा है, बाकी हो जाए तो बढ़िया बात है। हाँ सही है, सही है। अब भाई हॉपर के ऊपर आ जाएगा शुगर केन, अब तो पक्का वर्क करेगा। अगर नहीं किया ना तो भाई मेरे को गुस्सा आ जाएगा अभी तो। अब फिर मेरे को वाईटी से देख के भाई पूरा एक बंदे को कॉपी करना पड़ेगा, मैं कॉपी नहीं करना चाहता यार। चलो कोई दिक्कत नहीं फिलहाल, तो भाई मैंने ये लगा दिया, अब दोबारा से वर्क करा के देखते हैं यहाँ पे। अरे एक मिनट रुको, डन। अब मेरे को लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एक मिनट। अरे गायब तो हो गया वैसे, देखो अभी उसमें जा भी रहा है या नहीं। अबे रुक जा यार, ये कहाँ से आ रही है मकड़ी, हट तेरी तो। ओके डन, इसको ख़त्म किया। सो फाइनली हमारा भाई शुगर केन फार्म वर्क कर रहा है। ओके गाइस, अब मैं थोड़े से वुड काट कर लाया हूँ क्योंकि मेरे को ट्रैप डोर बनाने थे। वो क्यों मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि भाई वो जो हॉपर है, हॉपर से आगे भी पानी आ रहा था, ठीक है। तो हॉपर तक हमको लिमिटेड रखना है पानी, थोड़ा आगे नहीं आने देना है। तो इस वजह से वहाँ पे मैं हॉपर लगाने वाला हूँ, जहाँ तक चेस्ट है उस हिसाब से चेस्ट के ऊपर ऊपर हॉपर लगाऊंगा, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ, सॉरी हॉपर नहीं, ट्रैप डोर, ट्रैप डोर लगाने वाले हैं बस हॉपर के आगे से, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैं ये लगा रहा हूँ, तो वहाँ से भाई पानी रुक चुका है, उसके आगे नहीं आ रहा है। ऐसे करके मैं सारे पे सारे लगा देता हूं। ओके गाइस, मैं और बना के आ चुका हूं, तो मैंने सारे के सारे अभी जहां पे भर देने हैं। इसके बाद भाई अभी देखो सिर्फ हॉपर तक पानी चल रहा है, उसके आगे नहीं आ रहा है, तो ठीक है, सिंपल लग रहा है अभी जहां पे। और हाँ, एक आपको बात बताना भूल गया, मैं शुगर केन फार्म तो बना रहा हूँ लेकिन मैंने आयरन फार्म क्यों नहीं बनाया, क्योंकि सबसे पहला फार्म आयरन फार्म होता है। अब भाई आयरन फार्म मेरे को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं ऐसे ही करता हूँ। देखो एक हमारा यहाँ पे आयरन क्लेम स्पॉन हुआ, मैं इसको मार दूंगा आराम से, फिर एक और स्पॉन हो जाएगा, उसको मार दूंगा। देखो अभी आपके सामने ही है, दो हो चुके हैं यहाँ पे।
ओके गाइस, जहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैं देख रहा था कि डर्ट पे ज़्यादा जल्दी भाई अपना शुगर केन फार्म वर्क करेगा या फिर दूसरी ओर, ठीक है, लेकिन दोनों सेम टू सेम है। ओके गाइस, अब फिलहाल के लिए तो मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना ये ग्रो कर दिया है, अपना काफ़ी लंबा खींच दिया है ये शुगर केन फार्म, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने जो जो जगह पे ट्रैप डोर लगा रखे हैं ये मेरे को लग रहा है बेफालतू में, क्योंकि यहाँ पे भाई जो अपना शुगर केन है वो खिसक के इनके नीचे चला जाता है भाई, इसके बीच नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ होते जा रहा है। मेरे को लगता है कि हमको सिर्फ जहाँ पे चेस्ट है वहाँ तक ही ट्रैप डोर रखने, बाकी जगह पे मैं यहाँ पे डर्ट लगाने वाला हूँ, उसके हिसाब से यहाँ पे वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे हमारा सब कुछ डन हो चुका है, ऐसे करके हमारा भाई आराम से बन चुका है सारा का सारा शुगर केन फार्म। अब भाई इसके आजू बाजू मेरे को दीवारें खड़ी करनी है, आराम से ये अच्छा लगने लग जाएगा, और बाकी सब कुछ यहाँ पे वर्क कर रहा है अभी करंट टाइम पे, ठीक है, हमारा एकदम से आराम से वर्क कर रहा है पूरा का पूरा शुगर केन फार्म। अब हमको यहाँ पे बस बैठना हुआ करेगा और उसके बाद हमको शुगर केन मिलता जाया करेगा, और उसके बाद भाई हम पेपर कन्वर्ट करके आराम से काफ़ी ज़्यादा एमराल्ड कर सकते हैं इकट्ठा। सो कुछ ऐसी लुक निकल के आई है हमारे शुगर केन फार्म की, कुछ देखो आप आराम से देख सकते हो, मैं इसके साथ खड़ा हूँ अपना शुगर केन अपने हाथ में लेके, वैसे थंबनेल के लिए पोज दे रहा था वैसे तो मैं लेकिन कोई ना, अब उसके बाद अभी मैं इसको इतना ही नहीं छोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि भाई जहाँ पे खड़े हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका था, यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक मिनट में सिर्फ एक शुगर केन मिल रहा है, तो मेरे को यहाँ पे इंक्रीज कर रहा होगा इसको और ऊपर की साइड। अब कैसे, सबसे पहले आपको चाहिए स्टेयर्स, ठीक है, ऐसे करके आपको स्टेयर लगानी होगी इसके ऊपर आराम से, तो चलो जल्दी से जल्दी मैं प्लेस कर देता हूं। ओके गाइस, अबे रुक जा भाई, हर एक स्टेयर बची है। सो फाइनली गाइस मैंने लास्ट स्टेयर भी लगा दी, ये भाई रात में काम करना बहुत मुश्किल होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ आते रहता है। ओके गाइस, जहाँ पे मैंने सब कुछ डन कर दिया, अब जहाँ पे मैं एक साइड पे ब्लॉक लगा दूंगा ताकि भाई यहाँ पे पानी इधर उधर ना जाए, ठीक है, आपको स्टेयर लगा के यहाँ पे इसमें पानी भरना है, और इसके फ्रंट में हमको लगानी है डर्ट। डर्ट क्यों, क्योंकि इस पे हम उगाएंगे हमारा शुगर केन, तो ऐसे कर करके हम इसको और ऊपर तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले इसको डर्ट से भर देते हैं जल्दी से जल्दी। ओके, अब इस साइड भी हमको भाई आराम से वही लगाना पड़ेगा एक और ब्लॉक, क्योंकि भाई पानी बाहर आने लग जाएगा नहीं तो। ओके गाइस, तो इसको तोड़ो, यहाँ पे लगाने पड़ेंगे सेम टू सेम ब्लॉक। अब यहाँ पे भरेंगे हम पानी, कहाँ है हमारी बकेट, अबे आजा बाहर भाई। ओके गाइस, रात में मेरे को जॉम्बी काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे सो के आ चुका था यहाँ पे करंट टाइम पे। अब उसके बाद यहाँ पे मैं पानी भरना शुरू कर दिया था, अब यहाँ पे नीचे से उठा के मेरे को ऊपर डालना था पानी, तो मैं जल्दी से जल्दी यहाँ पे पानी भर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम भाई शुगर केन उगा देंगे। शुगर केन उगाने के बाद आराम से बाकी आगे का जो प्रोसेस था सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। इसके ऊपर ये तो ब्लॉक हो चुका है, इसके ऊपर भाई हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन के ऊपर ऑब्जर्वर लगाने के बाद, अबे ब्लॉक लगाया तो था भाई मैंने, ओके तोड़ दिया था, सॉरी मैंने ऊपर आने के लिए तोड़ दिया था। ओके डन, सब कुछ हो चुका है, हमारी रेडस्टोन भी सही है, मेरे को लगा रेडस्टोन टूट गई होगी। ओके गाइस, मैंने सारा का सारा फिल कर दिया, अब यहाँ पे मैं लगाना शुरू करूँगा एक और ब्लॉक जहाँ पे इसके ऊपर पिस्टन आ जाएगा, और पिस्टन के बाद आराम से हम भाई ऑब्जर्वर लगाएंगे, इसको पहले फिल कर देते हैं। ओके डन, ये भी फिल हो चुका है, अब इसके ऊपर हम पिस्टन लगाएंगे, पिस्टन लगाने के बाद आराम से फिर भाई ऑब्जर्वर सेट होंगे हमारे। ऑब्जर्वर कम पड़ रहे हैं वैसे तो मेरे हिसाब से, हाँ पिस्टन भी कम पड़ रहे हैं भाई। ओके, मैंने 20 ऑब्जर्वर और 20 पिस्टन बना लिए, क्योंकि 20-20 का हमारे पास ये लाइन है, और 20-20 से हमारा ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा। पहले तो पिस्टन लगाते हैं। ओके डन गाइस, ये 20 हमारे हो चुके हैं, अब 20 हमारे ऑब्जर्वर लगेंगे। अब हमारे पास भाई नेदर क्वार्ट्ज़ ख़त्म हो चुके हैं, एक दो ही बचा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मेरे को जल्दी से जल्दी भाई अपने नेदर में जाना पड़ेगा इस शुगर केन फार्म को और बड़ा करने के लिए। लेकिन भाई ये मैं अगले एपिसोड में या लाइव स्ट्रीम में कर दूंगा, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा खा रहा है। अब फिलहाल के लिए तो छोड़ो इस चीज़ों को, अब जितना हो सके मैं उतना ही बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा, डन। अब इसके ऊपर लगाना शुरू करते हैं आराम से हम भाई अपने ऑब्जर्वर, लेकिन वैसे इस साइड नहीं आएगा, इसके पिस्टन की साइड पे आएगा ना, हाँ पिस्टन के ऊपर आएगा यार, पिस्टन के ऊपर लगाएंगे ऐसे करके। तो सबसे पहले ब्लॉक प्लेस करता हूँ मैं,
ऑलराइट गाइस, ब्लॉक तो हमारे लग चुके हैं। अब भाई अब बारी है हमारे ऑब्जर्वर की, ऐसी सेम टू सेम इसी साइड से ऑब्जर्वर भी लगा देते हैं। ओके ऑलराइट, हमारे ऑब्जर्वर भी लग चुके हैं। अब आगे बारी है हमारे भाई शुगर केन को प्लेस करने की, आराम से ऐसे करके। डन, हमारे शुगर केन भी लग चुके हैं। अब आराम से ऐसे ही भाई अपने शुगर केन भाई जैसे ग्रो किया करेंगे तो भाई आराम से कट जाया करेंगे और कट के जाएंगे सीधा नीचे और हॉप पर भाई इनको फेंक देंगे सीधा चेस्ट में और चेस्ट से उठा के हम भाई आराम से ट्रेड किया करेंगे। बाकी अभी आसपास हमको दीवार बनानी पड़ेगी, बाकी फ़िलहाल के लिए तो इसको वर्क करा के देख लेते हैं। एक मिनट रुको, इसके ऊपर लगाते हैं इसको, एक दो। अबे ये कटा क्यों नहीं भाई? ओ भाई रेडस्टोन, जो मेन चीज है वो नहीं लगाई मैंने। ओके गाइस, मैं रेडस्टोन ही लगाना भूल गया था अभी करंट टाइम पे। सब कुछ कर दिया लेकिन रेडस्टोन बची थी, तो मैं रेडस्टोन जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। रेडस्टोन लगाने के बाद ये वर्क करना शुरू कर देगा। अब जल्दी से दोबारा चेक करते हैं। मैं भी सोच चुकी भाई ये वर्क करना क्यों बंद कर गया एकदम से, भाई मेरा दिल धक-धक होने लगा था। चलो अब जल्दी से दोबारा देख लेते हैं कि भाई ये वर्क कर रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए यहाँ पे ब्लॉक लगाते हैं, एक और एक और, इसको ऊपर होते हैं। चलो अब उगा के देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं। अरे लग जा, डन वर्क कर रहा है। अब नीचे भाई ये कुछ ना कुछ गिरे करेंगे। हाँ गिर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वर्क कर रहा है। अब आजू बाजू हम भाई अपनी दीवारें खड़ी करते हैं जल्दी से जल्दी। ओके डन, अब इस साइड से लगाते हैं आराम से दीवारें ताकि भाई आजू बाजू ना गिरे, क्योंकि आजू बाजू गिर रहा है ना तो बहुत दिक्कत करेगा यार, आजू बाजू इकट्ठा करना मुश्किल हो जाया करेगा। इधर तो हम दीवारें लगाएंगे। ऑलराइट गाइस, कुछ हम दीवारें खड़ी करके ऐसे लग रहा हमारा शुगर केन फार्म। अभी भी भाई बहुत छोटा है, इसको मैं और ऊपर घसीटूंगा, मैं लाइव स्ट्रीम वगैरह पे घसीटूंगा, क्योंकि मेरे को नेदर क्वार्ट्ज वगैरह लगाने के लिए लाने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। और दूसरे नंबर पे रेडस्टोन हमारी ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी सामान ख़त्म हो चुका है, तो भाई बस हमको सामान इकट्ठा करके लाना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, तो वो मैं लाइव स्ट्रीम पे बना दूंगा। अगले वाले एपिसोड के लिए मेरे को कोई ना कोई आइडिया दे दो कि भाई मैं अगले एपिसोड में क्या करूं, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी धीरे धीरे करके मेरी कोई गलती भी निकाल दिया करो कि वीडियो में आप जो चीज़ गलत कर रहे हो, ऐसे भाई एंटरटेनिंग नहीं लग रही, तो प्लीज़ वीडियो के लिए भी सजेशन देते हुए जाया करो गाइस। और कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, अच्छी भी लगी या बुरी लगी वो कुछ भी बता के जाया करो, ताकि मैं अगली वीडियो को और थोड़ा सा अच्छा बना सकूं। ठीक है गाइस, बाकी फिलहाल के लिए तो हमारा शुगर केन फार्म बन चुका है। मैं जहां पे आप खड़ के काफ़ी टाइम के लिए अपना शुगर केन इकट्ठा करूंगा, एमराल्ड लाऊंगा, और अगले एपिसोड में हो सके तो भाई अपने डायमंड का जो पूरा आर्मर ही भर डालूंगा एक चेस्ट में। देखते हैं भाई, अलग में ऐसे करूंगा, हेलमेट एक में पूरे हेलमेट भर दूंगा, एक में पूरी भाई बूट भर दूंगा, ऐसे करके भी ट्राई करूंगा। फिलहाल के लिए तो आज के इस वाले पार्ट में इतना ही। आशा करता हूं आज का जे वाला माइनक्राफ्ट का पार्ट आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।